तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑटोजोन में। दोस्तों मैं योगेश शर्मा आपके सामने खड़ी है ऑडी Q2, देख सकते हैं आप ब्लैक कलर में। दोस्तों आज आप बात करेंगे इसके इंटीरियर एक्सटीरियर और इसके प्राइस पॉइंट के बारे में, बताऊंगा दोस्तों क्या है इसकी रेंज ओवरऑल डायमेंशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू और दिखाता हूँ आपको ऑडी Q2। चलिए करते हैं शुरुआत, करते हैं इसे की से। तो की कुछ ऐसी मिलेगी दोस्तों, फ्लिप की मिलेगी, आप ऐसे करके ऐसे फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से अनलॉक होगी, यहाँ से लॉक हो जाएगी गाड़ी। दोस्तों इसे प्रेस करेंगे बूट ओपन करने का भी ऑप्शन मिलेगा, इसे प्रेस होल्ड करेंगे तो बूट आपका ओपन हो जाएगा। तो ओवरऑल ऐसी है कि चलिए आप दिखाते हैं दोस्तों इसकी फ्रंट से बात करते हैं लुक की ओवरऑल। चलिए करते हैं स्टार्ट। दोस्तों फ्रंट से बात करूँ तो ओवरऑल ऐसी मिलेगी, सामने बड़ा सा ऑडी का क्रोम फिनिश में लोगो मिलेगा, काफ़ी शानदार ग्रिल आपको दोस्तों सिल्वर फिनिश में मिल जाएगी। दोस्तों क्वात्रो आपको बैजिंग मिल जाएगी, क्वात्रो मीन्स दोस्तों गाड़ी 4x4 है ओवरऑल, ऐसा सिस्टम। चलिए आपको दिखाता हूँ दोस्तों ओवरऑल सेटअप की बात करूँ तो दोस्तों डुअल प्रोजेक्टर मिलेगी, यहाँ पे प्रोजेक्टर देख सकते हैं, यहाँ पे ये लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए। और दोस्तों बात करूँ DRL की, ये आपको DRL लंबी सी मिल जाएगी, इसी में दोस्तों इंडिकेटर भी प्लेस्ड है, दोस्तों यही कन्वर्ट हो जाता है इंडिकेटर में। यहाँ पे आपको दोस्तों मिलेगा हेडलाइट्स के लिए वॉशर मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको फॉग लैम्प के लिए स्पेस मिलेगा जो कि अभी है नहीं, आप लगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ साइड प्रोफाइल की तरफ, साइड से देखेंगे तो गाड़ी कुछ ऐसी मिलेगी, काफ़ी शानदार। इसके डायमेंशन उसकी बात करूँ दोस्तों 144 NM आपको ग्राउंड क्लियरेंस साइड प्रोफाइल की, और टायर की दोस्तों मिचलिन के आपको टायर्स मिल जाएंगे। और दोस्तों बात करूँ आपके टायर प्रोफाइल की, 215/55 R17 inch के आपको टायर प्रोफाइल और इस अलॉय व्हील्स आपको 17 इंच के मिलेंगे जो कि सिल्वर फिनिश में देख सकते हैं। और दोस्तों फ्रंट और रियर दोनों चार फोर व्हील में आपको डिस्प्ले मिल जाएंगी और कैलिवर आपको कुछ ऐसे मिलेंगे, बीच में आपको ऑडी का लोगो मिल जाएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं ORVM की, ORVM दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल मिल जाएगा, ओवरऑल देख सकते हैं काफ़ी शानदार। बॉडी कलर में आपको ORVM मिलेगा, इसी पे इंडिकेटर प्लेस किए गए हैं, आपको दोस्तों बॉडी कलर मिल जाएंगे आपको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ बैक प्रोफाइल, तो बैक से कुछ ऐसी दिखेगी ऑडी Q2, बीच में आपको ऑडी की बैजिंग मिल जाएगी काफ़ी शानदार, बैक रियर वाइपर्स मिलेंगे और डिफॉगर भी शानदार मिलेंगे। पीछे आपको दोस्तों देख सकते हैं हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगी, ऊपर आपको शार्फिन एंटीना मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको ऑडी Q2 की बैजिंग मिल जाएगी। और दोस्तों टेल लैंप्स की बात करें तो टेल लैंप्स कुछ ऐसे मिलेंगी LED बेस्ड, इंडिकेटर भी आपको LED में मिलेगी। और रिवर्स में दोस्तों चार पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे आपको, और स्किड प्लेट आपको सिल्वर फिनिश में मिलेगी, एग्जॉस्ट स्टील पाइप आपको लेफ्ट में मिलेगा गाड़ी के देख सकते हैं। ओवरऑल एक रिफ्लेक्टर आपको यहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों 4x4 है तो दोस्तों 40 TFSI और क्वाट्रो की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी ओवरऑल। तो चलिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ इसके इंटीरियर की तरफ, की बात करूँ दोस्तों डोर हैंडल्स कुछ ऐसे मिलेंगे आपको देख सकते हैं, प्लेन ब्लैक फिनिश में ये डोर हैंडल्स दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश दिखेगी, और जो डोर लॉक अनलॉक के लिए आपको सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे चार पावर विंडो का ऑप्शन दिए गए हैं, वन टच आपको पावर विंडो मिलेगी, यहाँ पे आप ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ आपको कुछ स्पेस मिलेगा, बॉटल होल्डर तो नहीं है, स्पीकर्स आपको दोस्तों यहाँ मिल जाएंगे। ओवरऑल इंटीरियर कुछ ऐसा दिखेगा बाहर से देखने पे। और सीट्स की बात करो दोस्तों, सीट्स कुछ ऐसी मिलेंगी आपको, अंदर थाई सपोर्ट काफ़ी मिलेगा, काफ़ी लग्जरी टाइप है देख सकते हैं, प्रीमियम फील होगा आपको गाड़ी में अंदर बैठ के। दिखाता हूँ आपको मैनुअली आप एडजस्ट करेंगे सीट्स को, इलेक्ट्रिकली ये एडजस्ट नहीं होंगी देख सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ बैठ के अंदर, तो दोस्तों स्टेयरिंग को चाहिए दोस्तों ये 3-spoke पावर स्टेयरिंग देख सकते हैं, जिसे आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल बीच में आपको ऑडी का लोगो मिल जाएगा, डुअल टोन में आपको हॉर्न मिल जाएगा काफ़ी शानदार। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे वॉल्यूम ब्रोकर्स, यहाँ मिलेंगे क्रूज कंट्रोल, ओवरऑल यहाँ से आप कर सकते हैं क्रूज सेट अपना। और यहाँ पे दोस्तों बात करूँ यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे, और गाड़ी में दोस्तों आपको इधर लेफ्ट साइड मिलते हैं, यहाँ पर ऑडियो में राइट में मिलेंगे आपको, यहाँ आपको लाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे, मीटर कंसोल कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ओवरऑल डिजिटल में देख सकते हैं, मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले मिलेगी, बीच में लेफ्ट में टैकोमीटर है और राइट में स्पीडोमीटर, 220 तक की आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी देख सकते हैं। ओवरऑल जिसे आप कर सकते हैं कनेक्ट, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देगा आपको। और दोस्तों बात करूँ ऊपर, तो ऊपर दोस्तों आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है काफ़ी शानदार। और दोस्तों ये आप ये गाड़ी आती है नॉर्मल सनरूफ के साथ देख सकते हैं देख सकते हैं कुछ ऐसा आपका सनरूफ ओपन होगा,
आप इसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपको मिलेगा ऑटोमेटिक IRVM, जैसे अपने डे नाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड दोस्तों पैसेंजर साइड वेंटी मिरर में आपको मिरर मिल जाएगा, सनवाइजर में ये आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे। दोस्तों ओवरऑल डैशबोर्ड्स की लुक की बात करूँ तो काफ़ी प्रीमियम फील होगा आपको, देख सकते हैं जगह जगह पे सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है। ओवरऑल देख सकते हैं क्वार्टर के यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, एक लंबी सी लाइन में दोस्तों सिल्वर फिनिश के साथ काफ़ी शानदार एसी वेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। और दोस्तों बात करूँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम की तो कुछ ऐसा है मिलेगा आपको, देख सकते हैं इन्फोस्टार्स के इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाएगा। और एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे दोस्तों राउंड शेप में काफ़ी प्रीमियम, देख सकते हैं सिल्वर फिनिश के साथ कवर किया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ कंट्रोल मिलेंगे आपको, हैजर्ड लाइट्स का कंट्रोल, लाइट ऑफ होने, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा। दोस्तों ये जो है स्क्रीन ऑफ करने के लिए देख सकते हैं, इसे प्रेस करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी ओवरऑल। दोस्तों बात करूँ एसी की तो दोस्तों एसी आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फुल्ली ऑटोमेटिक एसी मिलेगा आपको, देख सकते हैं। यहाँ आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगी, यहाँ एक USB के लिए पोर्ट दिया गया है, दो कप होल्डर्स के लिए स्पेस मिलेगा आपको, देख सकते हैं। और दोस्तों क्रू ट्रांसमिशन की तो ये मिलेगा अगर DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन में इसका मिलेगा, इसमें डुअल क्लच आती है, ओवरऑल लेदर रैप के साथ आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर सिल्वर फिनिश दी गई है थोड़ी थोड़ी, देख सकते हैं पी पार्किंग रिवर्स न्यूटन DS ड्राइव मोड के लिए यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से आप कर सकते हैं अपने मोड सेलेक्ट और यहाँ पर आप कर सकते हैं अपनी डिस्प्ले को देख सकते हैं। इन्फोटेनमेंट को आप दोस्तों यहाँ से कंट्रोल करेंगे, देख सकते हैं अब दोस्तों ये सारे सपोर्ट करेगा एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वॉइस कमांड, नेविगेशन, ब्लूटूथ, देख सकते हैं नेविगेशन काफ़ी शानदार, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने और मीडिया को, सेटिंग्स, ऑडी, स्मार्ट, इंटरनेट, मैप, नेविगेशन, टेलीफोन, मीडिया, रेडियो, साउंड, कार के बारे में जैसे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है दोस्तों यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं डेट एंड टाइम की, स्टीरियो कंट्रोल्स, ओवरऑल कुछ ऐसा है सिस्टम। यहाँ से आप बैक करेंगे तो कुछ ऐसा है दोस्तों सिस्टम। या दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकली पावर ब्रेक मिल जाएगी, देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं है, तो ये वैसे ही डेड बटन दिया है जैसे कि अच्छा लगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक आर्म रेस्ट मिलेगा जिसमें काफ़ी स्पेस है, देख सकते हैं आप अपना सामान रख सकते हैं कुछ नीचे, आपको ऑक्स और दोस्तों USB का पोर्ट भी मिल जाएगा इसी में। ओवरऑल सीट्स की दोस्तों पहली बता दी थी मैंने आपको, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, देख सकते हैं दोस्तों फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है पर हार्ड काफ़ी प्रीमियम फैब्रिक है, देख सकते हैं अंदर 250 सपोर्ट आपको पूरा मिल जाएगा। तो चलिए आपको दोस्तों लेके चलता हूँ मैं बैक लुक की तरफ, रियर में दोस्तों दिखाऊँ सीट्स की क्वालिटी और इंटीरियर। दोस्तों रियर में डोर हैंडल्स आपको वैसे ही सामने वाले जैसे फ्रंट में ऐसे मिलेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया है, पावर विंडो का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो डोर जो ग्रैब हैंडल है इस पर सिल्वर फिनिश दिखेगी, डोर हैंडल आपको भी सिल्वर फिनिश में मिलेंगे, स्पीकर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। दोस्तों बात करो पीछे की सीट्स की तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, देख सकते हैं दोस्तों ऐसे शेप में जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ, तो गाड़ी आपको बहुत ही कम्फर्ट महसूस कराएगी। तो चलिए आपको दिखाता हूँ दोस्तों अंदर बैठ के नी रूम और हेड रूम। दोस्तों नी रूम काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों ड्राइवर साइड सीट पूरी तरह एडजस्ट है, तो काफ़ी शानदार आपको नी रूम मिलेगा, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, देख सकते हैं। ओवरऑल यहाँ एयर बैग की बैजिंग, दोस्तों सेफ्टी के मामले में आपको चार एयर बैग मिल जाएंगे इसमें, दो आगे एक स्टेयरिंग पे, एक पैसेंजर साइड दोस्तों, और दो पिलर्स पे मिल जाएंगे, एक इस पे और एक इस पे। दोस्तों पीछे आपको किसी भी तरह के एसी वेंट्स और कंट्रोल तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको दो रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी LED में। ओवरऑल यहाँ पे कुछ दोस्तों हेडरेस्ट आपको पीछे एडजस्टेबल मिलेंगे, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कंफर्टेबल के हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे एक आर्म रेस्ट भी मिलेगा जिसमें इसे आप ऐसे प्रेस करके ऐसे खोल सकते हैं, इसमें दो आपको कप होल्डर्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपना कुछ भी कप होल्डर्स रख सकते हैं, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है, करते हैं बंद। ओवरऑल पीछे आपको दोस्तों एक पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी। दोस्तों बात करूँ डैशबोर्ड की तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, देख सकते हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस। दोस्तों बूट स्पेस की बात करूँ तो ये 533 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा, काफ़ी बड़ा, देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा इसका। स्पेयर व्हील की टायर प्रोफाइल की बात करूँ दोस्तों काफ़ी शानदार हैंको टायर प्रोफाइल आपको ये मिलेगी इसकी,
19 इंच का आपको दोस्तों स्पेयर व्हील मिलेगा, देख सकते हैं। और दोस्तों ये है स्टील रिम है, रिम है दोस्तों, अलॉय व्हील से ही मिलेगा आपको। कुछ ऐसा है सिस्टम, यहाँ पर आपको टूल किट मिल जाएगी, ओवरऑल यहाँ भी आपको लाइट्स मिल जाएंगी, हुक मिल जाएगा एक, यहाँ पे अपना कुछ भी सामान रख सकते कैरी कर सकते हैं, यहाँ भी आपको एक हुक मिल जाएगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं ओवरऑल। तो दोस्तों करते हैं इसे क्लोज, और दोस्तों दिखाऊँ आपको इसके पीछे भी आपको दोस्तों कैमरा मिल जाएगा पार्किंग के लिए। चलिए दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके इंजन की तरफ। बोनट आप यहाँ से ओपन करेंगे, देख सकते हैं बोनट यहाँ से ओपन होगा, इंजन की बात करो तो 2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिल जाता है, देख सकते हैं ओवरऑल दोस्तों काफ़ी शानदार। दोस्तों यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक सिस्टम मिलेगा, देख सकते हैं हाइड्रोकली आपका बोनट ऑपन होगा, यहाँ पे क्लाइडिंग की गई जिससे कि इंजन ऑइल बाहर ना जाए। दोस्तों बात करता हूँ आपसे BHP और टॉर्क की, तो 188 BHP आपको निकाल कर देगा इंजन, और बात करूँ टॉर्क की तो 320 यानी कि 320 Nm आपको टॉर्क यूज़ करके देगा, ओवरऑल ऐसा सिस्टम दोस्तों हाइड्रोलिक है। दोस्तों आप इसे ऐसे ही नॉर्मली क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको ऑडी Q2 स्टैंडर्ड, हमें वीडियो में लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद जय भारत।